भगवान कृष्ण की आरती आपने कई बार सुनी होगी, ओम जय जगदीश हरे। ये हैं पीतल के गुरुड़। तो जगदीश जी का नाम के तो बहुत सारे मंदिर होंगे, भगवान कृष्ण का ही नाम है जगदीश, लेकिन अगर आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो जगदीश नाम से आपको यही मंदिर मिलेगा। ये मंदिर है उदयपुर राजस्थान में, सिटी के प्रॉपर बीचों बीच है। यहाँ की खासियत है कि यहाँ पे जो मार्बल का स्लैब है या दीवार जिसे आप बोल सकते हैं, अगर किसी के कंधे में दर्द हो, अभी दर्शन करिए आरती का, अगर किसी के कंधे में दर्द हो, पीठ में दर्द हो, घुटन में दर्द हो और वो यहाँ पे आके मंदिर की दीवार से घिसता है तो उसकी दर्द ठीक हो जाती है। 1651 से यहाँ पे पूजा हो रही है। ये मंदिर बनवाया था महाराणा जगत सिंह ने, जिन्होंने उदयपुर शहर बनाया था। उस 1651 में जगत सिंह जी ने 1.5 मिलियन रुपीस का खर्चा करके ये मंदिर बनवाया था। तो आपको तो खर्चा नहीं करना है, लेकिन अगर वीडियो पसंद आए तो थोड़ा सा कष्ट उठा के वीडियो को शेयर और लाइक करना है। मुगलों ने काफ़ी मंदिर तोड़ दिया था। ये जो मंदिर आप देख रहे हैं ये चिनोदार करके बनाया गया है। पहले ये मंदिर का नाम था जगन्नाथ राय मंदिर, फिर बाद में इनको जगदीश मंदिर कहा गया। अभी आप मेरे साथ में कर रहे हैं मंदिर की परिक्रमा। अगर कहते हैं मंदिर के दर्शन करने ना जा पाओ और मंदिर के ध्वज के दर्शन हो जाए और परिक्रमा हो जाए तो आपके दर्शन पूरे गिने जाते हैं। 3 मंजिला ये मंदिर है, 79 फीट ऊंचा। इंडो वैली शैली से बनाया गया यह मंदिर। यहाँ पे देखने लायक हैं हॉल, खम्भों का कोतर काम अगर आप देखेंगे एंग्रेविज तो आप दंग रह जाएंगे। मंदिर के प्रांगण में अभी आपने दर्शन किए, शिव मंदिर है, गणेश मंदिर है, सूर्य मंदिर है और शक्ति माता जी का भी मंदिर है। प्रॉपर सिटी में है ये मंदिर, जिसे ओल्ड उदयपुर सिटी भी कहा जाता है। रेलवे स्टेशन से तो कुछ ही दूरी पर है, सिटी पैलेस के पास में है ये मंदिर, लेकिन यहाँ पर ट्रैफिक बहुत होने की वजह से, प्रॉपर सिटी में होने की वजह से आपको रिक्शा में जाना पड़ेगा। मंदिर में आती सुबह 4:30 बजे 7:45, 10:15, 11:30 पे होती है, फिर शाम को 5:30, 6:30, 8:15 होती है और मंदिर रात को 10 बजे तक खुला रहता है। आप उदयपुर जाएं तो एक ही दिन में ये सारे मंदिर कर सकते हैं। ये मंदिर को रखिए आप लास्ट में रात के समय पे, सबसे पहले जाइए एकलिंग जी जो टॉप 50 महादेव के मंदिर में आते हैं। मंदिर सुबह 4:30 से 10:30 बजे तक खुला रहता है, तो सुबह सुबह 4:30, 5 बजे वहाँ जाके दर्शन करिए। वहाँ से जाइए कुछ ही दूरी पे है श्रीनाथ जी, वहाँ वो मेवाड़ के 4 धाम में से है। फिर जाइए कांकरोली, वो भी 4 धाम में है। फिर 4 भुजा मंदिर, वो भी 4 धाम में है। उसके बाद में आप जाइए रनकपुर जो जैन टेम्पल, और वापिस से उदयपुर में आइए और रात को 10 बजे तक ये मंदिर खुला मिलेगा। ये सारे वीडियो आपको यूट्यूब पे देखने को मिल जाएंगे, श्रीनाथ जी राकेश खन्ना सूरज, काकरोली राकेश खन्ना सूरज। 100 से ज़्यादा वीडियो यूट्यूब पे देखने के लिए चैनल शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। जय श्री कृष्ण।